हरियाणा को लेकर कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। हरियाणा को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ये मंथन कर रही है कि आखिरकार हार के कारण क्या रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी आवाज पर यह मीटिंग बुलाई गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत शामिल हुए। अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कुमारी सलजा और सुरजेवाला को बुलाया नहीं गया। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हार को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने फैक्ट चेक कर रही है और यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, यह बताया गया है। यानी कि क्या असल में फैक्टर रहे कांग्रेस के हार के हरियाणा में, इसको लेकर एक कमेटी भी बन सकती है, यह सूत्र बता रहे हैं। आइए सुनवाते हैं, अजय माकन जब इस मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने ऑफिशियल तरीके से क्या जानकारी दी। जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा भी हुड्डा काम और सलजा के बीच रही, वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर, जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल।